वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन का भाव पहली बार एक ऑन सोने की कीमत से ज्यादा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बिटकॉइन $1,268 पर बंद हुआ, जबकि एक ऑन सोने की कीमत $1,233 पर थी। बिटकॉइन की कीमत में ताजा बढ़ोतरी की वजह चीन में बढ़ती मांग मानी जा रही है। केतन जोशी मेरे साथ ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। केतन, चीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिटकॉइन का इस्तेमाल पैसे को देश से बाहर भेजने के लिए किया जा रहा है। को बता दें कि जो एक आधिकारिक इसके ऊपर पोर्टल है जेप पे, उसके ऊपर प्रतिदिन 2000 बिटकॉइन की अकेले भारत में खरीदारी हो रही है। चाहे चाइना कितना भी विरोध कर ले, भारत में भी अभी इसको ऑथोराइज नहीं किया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 6 महीने में 90% से भी ज्यादा इनकी वैल्यू हो गई है। अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें तो ₹52,000 का एक बिटकॉइन था 6 महीने पहले, जो आज ₹98,000 तक उनकी दाम पहुंच गई है। और 2000 बिटकॉइन रोजाना जेप पे के ऊपर खरीद फरोख हो रही है और उसमें ज्यादातर बाय करने वाले हैं। और जापान, यूएस, कनाडा, लैटिन अमेरिका में तो इसको लीगल माना गया है, तो कहीं ना कहीं इसी बात को मद्देनजर और इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिहाज से भी लोग इसमें अपना निवेश है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भले ही चाइना इस पर काफी रुख कड़ा अख्तियार करे, भारत में भी इसको अभी तक आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इसका बहुत तेजी से है वो खरीद फरोख हो रही है। तो आगे जाकर ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है और इंटरनेशनल बाजार में इसकी काफी कीमत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया केतन जोशी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने